हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आ गए हैं वाइट सॉस पास्ता रेसिपी के साथ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पास्ता ले लिया है। यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। देन पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। ये देखिए गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। 80% पास्ता कुक करना है, क्योंकि 20% हम सॉस के साथ कुक करेंगे। तो मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे, जिससे इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। तो आइए तब तक हम अपने वेजेस फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में बटर ऐड किया है। बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। देन इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप उसको बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो, बट मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भून लेंगे। देन इसके अंदर अपने वेजेस ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं कैप्सिकम, अनियन, कैरेट ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग वेजेस ऐड कर सकते हो। तो हम अनियन ऐड कर रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 30-40% ही पकाना है। हल्के से क्रंचीनेस वेजेस में रहने चाहिए, और सॉस के अंदर ऐड होने के बाद भी थोड़े से पकेंगे, तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इसको। इसके अंदर हम ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। देन हम इसमें ओरिगैनो ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट में कम डालना है, क्योंकि हमने पास्ता में ऐड किया ऑलरेडी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इसको ढक देते हैं। ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए गाइस, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे वेजेस 20% ऑलमोस्ट पक चुके हैं। हमें हल्का सा क्रंचीनेस चाहिए वेजेस में, तो हम स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तब तक हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम बटर ऐड कर रहे हैं। जितनी हमारी मैदा होगी, हमें उतने बटर ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने देंगे। देन इसके अंदर हम करेंगे ऐड मैदा। मैदा मैं यहाँ पे 3 स्पून ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको मिक्स करते रहना है। अच्छे से भूनेंगे मैदा को। मैदा का जो कच्चापन है वो नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये मैदा अच्छे से भुन जाएगी। ये देखिए, हमारी मैदा अच्छे से भुन चुकी है। इसके अंदर दूध ऐड कर लेते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके, ठंडा दूध ऐड करना है। देन इसको मिक्स करते रहना है। ये देखिए, हमारा क्रीमी टेक्सचर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। हमें सॉस हमें ज़्यादा थिक नहीं करनी है, क्योंकि मैं पास्ता डालने के बाद भी इसको पकाना है। देन हम इसके अंदर अपने वेजीज ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। देन ओरिगैनो ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर चीज़ की स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो सॉस में मेल्ट हो सके। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारी चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं सॉस का टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है। हमें बस ज़्यादा थिकनेस नहीं करना है। इस स्टेज से हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं अपना पास्ता ऐड कर रही हूँ। सारा पास्ता ऐड कर देंगे। देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक पकाना है, क्योंकि जो सॉस का फ्लेवर है वो पास्ता में अच्छे से आ सके। तो यहाँ पे हम इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो ये लीजिए गाइस, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है। तो आइए मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए गाइस, हमारा वाइट सॉस पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ऐड किया है। बिल्कुल देखने में रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, और ये खाने में बहुत टेस्टी होने वाला है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और हमें बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए इस रेसिपी के साथ एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू गाइज़।